अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। तो फाइनली जनाब, पहले हमने टाइम वेस्ट किया है, लेकिन असल पीएसएल तो अब होगा। रियल मीनिंग के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 10th एडिशन में जाके होने वाला है। पहले हम जनाब कौन से पापड़ बेल रहे थे, तो जनाब पीसीबी ने डिसीजन ले लिया है कि मार्की प्लेयर्स का ऑप्शन जो है वो लाया जाए, इजाजत दी जाए फ्रेंचाइज टीमों को। ये क्या है मार्की प्लेयर्स? डायरेक्ट साइनिंग होगी। वाजी वाह, कमाल हो गया। स्टीव स्मिथ को देखेंगे, जोश हेजलवुड को देखेंगे, टिम साउथी को देखेंगे, मिचेल स्टार्क को देखेंगे, ट्रेविस हेड को देखेंगे, डेविड वार्नर को देखेंगे। तो यार ये बड़े सुपरस्टार्स आ रहे हैं, तो फिर तो भाई वाकई पीएसएल को चार चांद लगने। एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, पीएसएल में बड़े सितारे गर्दिश करेंगे। तो भाई पीसीबी ने फिर डिसीजन तो बड़ा तगड़ा लिया है, और फैंस की डिमांड तो फिर ये भी है कि एक्स्ट्रा जो टीम्स हैं उनकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा टीम्स हैं आपकी, मिसाल के तौर पर पीछे फैसलाबाद का नाम भी आया था, सियालकोट का नाम भी आया था, कि इन दोनों में से कोई एक टीम जो है वो, स्पेशली दोनों टीमें डिजर्व करती हैं कि आप पीएसएल के अंदर कम से कम 8 टीमें तो कर दो। जी हाँ, आप 4 नहीं बढ़ा सकते हैं, आप आईपीएल का कंपटीशन जो वो नहीं कर सकते हैं, आईपीएल को कंपीट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 6 के बजाय 8 तो कर दो। लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं हुआ था, जबकि पहला जो स्पेशली टेन्योर था या जो भी आप कहें, उसमें कहा भी यही गया था कि जब तक पीएसएल का 10th एडिशन कंप्लीट नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा टीम इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो शायद वही सब कुछ सिस्टम चल रहा है। तो बरा जनाब, अब जो इस वक्त की न्यूज है वो ये है कि अपकमिंग जो 10th एडिशन होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें आपको एक्स्ट्रा प्लेयर्स, डायरेक्ट साइनिंग वाले प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं, जिनकी डायरेक्ट साइनिंग होगी। मार्की प्लेयर्स कह सकते हैं, एक या दो ओवरसीज प्लेयर हर टीम के अंदर, तो मैक्सिमम 12 आपको डायरेक्ट साइनिंग वाले प्लेयर्स मिल सकते हैं। लेकिन मायूसी पता है कब होती है? मायूसी उस वक्त होती है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जब वो प्लेयर्स पिक हो जाते हैं जिनकी, पहली बात तो यह कि अपनी टीम में जगह नहीं बन रही होती है, यानी कि वो प्लेयर्स वो नाम से रिटायर्ड नहीं होते हैं लेकिन अपनी टीम के अंदर उनकी जगह नहीं बन रही होती है, खेल नहीं रहे होते हैं, वो इधर आके खेल जाते हैं। नंबर 2, जो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं वो फिर पीएसएल में आ जाते हैं। पता चले ना, ट्रेविस हेड को लेके आओ, फैजल मगर को लेके आओ, जोश हेजलवुड को लेके आओ, निकलस पूरन को लेके आओ, इस तरह के प्लेयर्स को लेके आओ ना, पता चले कि हाँ कंपटीशन हो रहा है। अपडेट से चले गए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।